हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर दो पेजेस के बीच में वाइट स्पेस नहीं शो हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। वाइट स्पेस से मेरा मतलब, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन दो पेजेस के बीच में जो यहाँ पर खाली स्थान होता है, मतलब जो वाइट स्पेस होता है वो देख सकते हैं यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, पतली सी लाइन दिखाई पड़ रही है। मैं अगर पेजेस की साइज थोड़ी और छोटी कर दूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर टोटल चार पेजेस हैं और इनके बीच में कोई भी वाइट स्पेस जो है वो नहीं आपको दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, हमको जाना है फाइल टैब में। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऊपर रिबन में हमको मिलता है फाइल टैब। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फाइल टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे हमको जाना है ऑप्शंस पे। ये रहा ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो वर्ड ऑप्शंस का पेज, आप एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये है वर्ड ऑप्शन का विंडो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको जाना है डिस्प्ले पे, दूसरा वाला ऑप्शन, डिस्प्ले पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, बस यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिए। उसके बाद नीचे से ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे, ये देखिए वाइट स्पेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है।